हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 25x30, 25 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 30 फीट प्लॉट की लंबाई है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारे पास है 25 फीट। 25 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 30 फीट। तो 25x30 प्लॉट का एरिया हो गया। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी पूर्व दिशा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 फीट का मेन गेट है। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं वरामदा के अंदर, जिसके हमारे पास साइज है 3 फीट चौड़ाई के अंदर पूरा यहाँ पर यह वरामदा होगा, ठीक है। और इस मेन गेट के जैसे सामने यहाँ पर देखिए 4 फीट का मेन डोर है, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ तक चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 तो 3.5 फीट का दरवाजा आ रहा है। इस दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं बेडरूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10x11, 10 फीट ऐसे और 11 फीट ऐसे, ये हमारे पास बेडरूम है। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो एक सामने पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जैसे सामने यहाँ पर देखिए 3.25 फीट का दरवाज़ा और यहाँ पर हमारा आ रहा है किचन। किचन की हमारे पास साइज है 7 फीट 3 इंच बाई 8 फीट, 7 फीट 3 इंच ऐसे और 8 फीट ऐसे, ये हमारा किचन हो गया। इस किचन की 3 फीट की विंडो सामने बरामदा के अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते तो यहाँ पर ही हमारे पास आ रहा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट 1 इंच बाई 12 फीट 9 इंच, 9 फीट 1 इंच ऐसे और 12 फीट 9 इंच ऐसे, ये हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर डाइनिंग और लिविंग एरिया, तो यहाँ पर देखिए स्टेयर केस बना हुआ हमारा, यहाँ से माफ करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5x3.5 फीट स्टेयर केस का हमारे पास लैंडिंग है, ठीक है। अब सोफे वगैरह अगर हमें लगाना होते हैं तो इस यहाँ पर ये देखिए स्टेप यहाँ पर काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने सोफे वगैरह अच्छे से डिज़ाइन करके यहाँ पर लगा सकते हो और यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल लग जाएगी, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं स्टेयर केस जहाँ पर डाउन हो रहा था, उसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10x11, 10 फीट ऐसे और 11 फीट ऐसे, ये हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो यहाँ उत्तर दिशा के अंदर अपना OTS छोटर का है, जिसकी हमारे पास साइज है 4x5, 4 फीट ऐसे और 5 फीट ऐसे, ये हमारा OTS छोटर का, इसके अंदर इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो निकल रही है। इस बेडरूम से जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 5x5.5x7.5 इंच। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम इस OTS के अंदर निकल रहा है और इस OTS के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से 2.5 फीट का दरवाजा दे रहा है। तो चलिए मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूर्व दिशा हो गई, ये आपका 4 फीट का मेन गेट, ये वरामदा, ये मेन डोर, ठीक है। ये हमारा हो गया बेडरूम, किचन, ये हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया और यहाँ पर स्टेयर केस, ये बेडरूम, ये OTS और ये हमारा हो गया कॉमन टॉयलेट। तो चलिए मैं आपको उसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। 25x30 प्लॉट की साइज है, जिसके अंदर 2 बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट है और स्टेयर केस है और डाइनिंग और लिविंग एरिया, किचन डिज़ाइन किया, ये देखिए पीछे से 25 फीट, ये हमारा स्टेयर केस हो गया। यहाँ पर आप आराम से सोफे वगैरह लगा सकते हो यहाँ से लेके इस प्रकार से, और बीच में टेबल वगैरह लगा सकते हो। ये हमारा हो गया बेडरूम, इस बेडरूम की विंडो यहाँ पर निकल रही है 4 फीट की OTS के अंदर। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया और लिविंग एरिया, ये हमारा हो गया किचन, ये हमारा हो गया बेडरूम, ये हमारा मेन डोर, ये सामने बरामदा 3 फीट चौड़ाई के अंदर और ये 4 फीट का मेन गेट और ये पूर्व दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों भी ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके जो पास वाली बेल आइन रहती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।